हल्द्वानी में समान काम समान वेतन और मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जल संस्थान के संविदा कर्मियों का कार्य बहिष्कार 3 दिन से जारी है। शनिवार को गुस्साए कर्मचारियों ने तिकोनिया स्थित अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और विभागीय अधिकारियों के साथ ही शासन पर मांगों को अनसुना करने का आरोप लगाया। बता दें कि उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ के बैनर तले हल्द्वानी समेत नैनीताल भीमताल और बेताल घाट में संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। मामले में शुक्रवार को अधिशासी अभियंता से हुई बातचीत भी बेनतीजा रही। इधर संविदा कर्मियों के कार्य बहिष्कार से शहर में पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों ने जल्द से जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सर, हमारा 22 दिन ही धरना चल चुका है, जो इसमें 3 दिवस आज हमारा कार्य बहिष्कार को हो चुका है, जिसमें विभाग ने हमारी फिर भी कोई सुध नहीं ली है। और हम इससे आगे जो भी बन पड़े, हम अपने संगठन के लिए वो कार्य करेंगे जिससे हमारी मांगें मिल सके। हमने बार बार आवाज़ दी है, लेकिन हमारा विभाग अनसुना कर रहा है और प्रशासन भी नहीं सुन रहा। सर, क्या आगे क्या करेंगे, अगर नहीं सुनेगा प्रशासन तो? सर, हमने कई बार मांग की है, हमारे पत्राचार के माध्यम से हमने पेयजल मंत्री महोदय से भी बात की थी, लेकिन उन्होंने भी कोई सुध नहीं ली। हमारी इसमें 5 सूत्री मांगों को लेकर हमारे मंडल के आह्वान पर हम लोग बैठे हुए हैं। यदि इसके आगे भी अगर हमारी नहीं सुनी जाती है, हम जो बन पड़े संगठन के लिए वो करेंगे और अपने कर्मचारी हित पर हमारा संगठन जो आह्वान देगा, हम वो कार्य करने के लिए तैयार हैं।